कार, किसान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है किसान कार्यक्रम में आज हम जिस विषय पर चर्चा करने के लिए जा रहे हैं उसका विषय है पशुओं में पथरी की समस्या निदान एवं उपचार इस चर्चा के लिए हमारे बीच में डॉक्टर सांगवान जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हरियाणा पशु विज्ञान केंद्र महेंद्रगढ़ में कार्यरत हैं डॉक्टर साहब आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है आपके कृषि विज्ञान केंद्र में वहाँ पर कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो कि पशुओं से संबंधित है इसके बारे में आप हमें विस्तार से सभी पशुपालक भाइयों को एवं दर्शकों को नमस्कार हरियाणा पशु विज्ञान केंद्र महेंद्रगढ़ दक्षिण हरियाणा के पशुपालकों के लिए लाला लाजपत राय पशु विज्ञान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किया गया है जहाँ पर क्लिनिकल फैसिलिटी यानी कि उपचार संबंधी सुविधाएं जैसे सर्जरी मेडिसिन और बच्चेदानी संबंधी समस्याएं समस्याओं के निवारण के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं इसके अलावा वहाँ पर एक लैब भी स्थापित की गई है जिसमें दूध जांच, खून जांच, मूत्र और मल जांच आदि की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं इसके अलावा हमारे सेंटर पर अलग अलग विषयों पर पशुपालकों के लिए ट्रेनिंग भी दी जाती है जिसका समय समय पर पशुपालकों को विवरण दिया जाता है पशुओं में पथरी की समस्या क्या होती है डॉक्टर साहब और किन पशुओं को ये अधिक प्रभावित करती है इसके बारे में आप हमारे पशुपालकों को थोड़ा विस्तार से बताएं जी पशुओं में पथरी बनने की समस्या पैदा होती है जब पशु की उम्र दो महीने से लेकर छः महीने तक की होती है अमूमन यह समस्या जो पाडे हैं या बछड़े हैं उनके अंदर पाई जाती है जो दो से छः महीने की उम्र के होते हैं यह समस्या पेशाब के अंदर मौजूद मिनरल्स के डिपोजिशन के कारण होती है मिनरल्स जब पेशाब कंसनट्रेटेड हो जाता है तो उसके अंदर के जो मिनरल होते हैं कैल्शियम फॉसफोरस और मैग्नीशियम वो जमने लग जाते हैं और उसके कारण वो पथरी बना लेते हैं जिसके कारण यह समस्या उत्पन्न होती है और यह केवल बछड़ों और पाडों में ही पाई जाती है जो मेल हैं उनके अंदर ही पाई जाती है क्योंकि उनका रास्ता संकरा होता है और लंबा होता है और टेढ़ा होता है जहाँ पर पत्थरी के अटकने की संभावना ज़्यादा होती है बजाय इसके जो फीमेल काफ हैं जो मादा बच्चे होते हैं उनके अंदर यह समस्या नहीं पाई जाती क्योंकि उनका पेशाब का रास्ता छोटा और सीधा होता है डॉक्टर साहब पशुओं में पत्थरी की समस्या होने के क्या लक्षण दिखाई देते हैं ताकि हमारा पशुपालक उस लक्षण को पहचान करके पता लगे भी पशुओं में पथरी की समस्या है तो इसके बारे में जी ये बहुत ही महत्वपूर्ण तो प्रश्न किया आपने यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि पशुपालकों को अपने पशुओं को समय पर उनका निदान उनका डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी है पशुपालकों को कि उसमें पथरी की समस्या है क्योंकि ये एक समस्या बहुत गंभीर समस्या है और पशु की जान भी ले सकती है इसके लिए लक्षणों को पहचानना बहुत आवश्यक है पशुपालक जो पशुओं के साथ रहते हैं वही उनको उनके लक्षणों को पहचान कर डॉक्टर को या पशु चिकित्सक को बता सकते हैं तो इसमें सबसे पहले पशु अगर पेशाब बंद होता है तो उसके अंदर पशु को पेट में दर्द के लक्षण दिखाता है और पशु का पेशाब नहीं उतरता पेट में दर्द के लक्षण जैसे पशु पेट पे लात मारेगा या ज़मीन पर लेट जाएगा और पैरों को खींचेगा खाना पीना बंद कर देगा चरना बंद कर देगा पशु इसके अलावा ये शुरुआती लक्षण है इसके बाद ये दो से तीन दिन तक यही लक्षण देखे जाते हैं तीन दिन तक भी यदि आपने पशुपालक ध्यान नहीं देते हैं तो उसके बाद पेशाब की थैली जो है पेशाब उसके अंदर इकट्ठा होता जाता है क्योंकि उसको निकलने का रास्ता नहीं मिलता और पेशाब जब उसके अंदर भरता जाता है तो वो एक समय ऐसा आता है कि वो पेशाब की थैली फट जाती है और वो सारा पेशाब पशु के पेट में इकट्ठा हो जाता है उस समय पर यानी कि तीन दिन के बाद लगभग तीन दिन तक अगर ये लक्षण होते हैं उसके बाद पेशाब की थैली फटती है तब लक्षण अलग तरह के आते हैं तब पशु को एक बार उस दर्द से निजात मिलती है जो दर्द होता है वो पशु की पेशाब की थैली के बढ़ने के कारण होता है जब पशु को एकदम रिलीफ मिलता है तो वो फिर से दोबारा चरना पीना एक बार शुरू कर देता है तो पशुपालक को लगता है कि समस्या टल चुकी है जबकि समस्या और भी एक गंभीर रूप ले चुकी होती है पशु इस समय पे पशु का पेट का आकार बहुत बढ़ जाता है जो पेट का आकार है वो नीचे की तरफ जैसे पेशाब है वो नीचे की तरफ इकट्ठा हो जाता है और पेशाब नीचे की तरफ इकट्ठा होने के कारण पशु का पेट नीचे की तरफ से बड़ा हो जाता है एकदम फूल जाता है और अचानक इसके अंदर बहुत बड़ा देखने को मिला है इसके अलावा भी अगर पेशाब की थैली नहीं फटती है तो पेशाब का रास्ता जिसे हम यूरेथ्रा कहते हैं वो यूरेथ्रा भी फट सकती है कई पशुओं में यूरेथ्रा भी फट सकती है यूरेथ्रा के फटने पर पशुओं के पेशाब निकलने का जो स्थान होता है उसके आसपास जिसे हम प्रिप्यूस कहते हैं अमलाइकल बोलते हैं उसके आसपास वो पेशाब इकट्ठा होने लग जाता है वहाँ की मांसपेशियों में वहाँ पर सोजन आ जाती है और उसको पशु को दर्द महसूस होता है और लाल लालपन भी हो जाता है तो इस तरह के लक्षण पशु दिखाता है तो हमें समझना चाहिए कि पशु को पत्थरी की समस्या है डॉक्टर साहब यह समस्या किस मौसम में पशुओं को अधिक प्रभावित करती है जी यह समस्या अमूमन सर्दियों के मौसम में देखी जाती है अक्टूबर नवंबर का जो अभी महीना है इससे लेकर और फरवरी मार्च तक यह समस्या पाई जाती है और इस मौसम में ही पशुओं को अधिक प्रभावित करती है क्योंकि पशु इस मौसम में पानी पीना कम कर देते हैं पानी पीना कम करने से उनका पेशाब जो है गाढ़ा हो जाता है कंसनट्रेटेड हो जाता है जिसके कारण मिनरल डिपोजिशन के कारण उसमें पथरी बनने की संभावना बढ़ जाती है पथरी की समस्या से पीड़ित पशुओं में उपचार के लिए क्या प्रावधान हो सकते हैं उपचार इसमें अलग अलग स्थितियाँ होती हैं उसके हिसाब से ही लक्षण देखकर ही उसका उपचार किया जाता है जैसे यदि किसी पशु में पेशाब की थैली नहीं फटी है और पेशाब बंद हुए उसको अभी अमूमन 48 से बेहतर घंटे का ही समय हुआ है दो से तीन दिन का ही समय हुआ है तो उस समय में हम पशु को ट्यूब सिस्टोटोमी का ऑपरेशन करते हैं और उसके जरिए पेशाब का हम एक बाईपास बनाते हैं पेशाब जो नॉर्मल रास्ते से आना चाहिए उसके उससे ना आकर एक ट्यूब के सहारे वो पेशाब की थैली से सीधा बाहर निकलता है इस ऑपरेशन को ट्यूब सिस्टोटोमी कहा जाता है और ये पंद्रह से बीस मिनट का ऑपरेशन होता है और बहुत ही साधारण ऑपरेशन है जिसे पशुपालक अपने आसपास के नज़दीकी पशु चिकित्सालय में भी करवा सकते हैं या कोई भी एक्सपर्ट वहाँ पर कर सकता है इसके अलावा यदि पशु के पेशाब की थैली फट गई है तो भी हम ट्यूब सिस्टोटोमी का ऑपरेशन ही करते हैं उसके अंदर भी ये ऑपरेशन होता है जिसमें पेशाब को सारा बाहर निकाल दिया जाता है और उसके बाद उसके अंदर फोलिज कैथेटर वो फिट कर दिया जाता है ताकि पेशाब निकलने का रास्ता उसका सुचारू किया जा सके तीसरी एक स्थिति होती है जिसमें मैंने आपको बताया कि पेशाब का रास्ता जब फट जाता है जो यूरेथ्रा होती है कई बार पशु की यूरेथ्रा फट जाती है उसको गलने के कारण वहाँ पर पत्थरी के कारण गल जाती है तो वो फट जाती है तो पेशाब आसपास की मांसपेशियों में इकट्ठा होने लग जाता है ऐसी परिस्थिति में जब पेशाब ज़्यादा इकट्ठा हो जाए तो उसकी मांसपेशियाँ और वहाँ की खाल जो है गलने लग जाती है वो वो समस्या काफ़ी गंभीर है ऐसी समस्या के अंदर हम पशु के जहाँ पर पेशाब इकट्ठा हुआ है उसको निकलने के लिए निक इन सीजन या एक चीरा लगाते हैं आम भाषा में बात किया जाए तो उसके जरिए वो पेशाब को बाहर निकाला जाता है और इसके अलावा यूरेथ्रोस्टोमी और यूरेथ्रोटोमी दो ऑपरेशन होते हैं यूरेथ्रोस्टोमी में हम यूरेथ्रा को ओपन करके पोस्ट क्रोटल रीजन से वहाँ पर उसका एक रास्ता बना देते हैं उसे स्किन के साथ खाल के साथ जोड़ दिया जाता है और वो रास्ता पेशाब का अलग बन जाता है यूरेथ्रोटोमी के अंदर हम यूरेथ्रा को काट देते हैं कट कर देते हैं और उसको एक अलग ही रास्ता देकर उसको खाल के साथ उसके आ, स्किन के साथ उसको जोड़ दिया जाता है इस ऑपरेशन के अंदर जिससे कि पशु पेशाब का रास्ता जो है वो खुला रहे और पेशाब जो है सुचारू रूप से चलता रहे तो ये तीन जो मेजर ऑपरेशन हैं ये हम करते हैं और आज के समय में अभी ट्यूब सिस्टोटोमी सबसे एडवांस टेक्निक है जिसको बहुत ही जल्द बहुत ही फास्ट होती है बहुत ही आराम से की जा सकती है कम से कम इन सीज़न में कम से कम चीरा फाड़ी करके और इसकी रख रखाव भी बहुत ही महत्वपूर्ण है जी डॉक्टर डॉक्टर साहब पत्थरी की समस्या पशुपालन व्यवसाय को कैसे प्रभावित करती है जी ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने पशुपालन हम पहले पशुपालक पशुओं को केवल घर के लिए पालते थे अब खेती की ज़मीन जैसे जैसे कम होती जा रही है या पैदावार भी वैसे बढ़ोतरी हुई है लेकिन उसके साथ साथ किसानों को पशुपालन भी शुरू करना चाहिए व्यवसाय के तौर पर ये एक व्यवसाय के रूप में अगर हम लें तो ये समस्या पथरी की समस्या एक तो पशु पशुपालक भाइयों पर अनायास ही एक खर्चा डालती है खर्चा उसका बढ़ता है उसके ऊपर व्यय होता है इसका ऑपरेशन का खर्चा कम से कम दो हज़ार के आसपास हो जाता है एक ऑपरेशन का और उसके बाद भी पशु ठीक हो नहीं हो इसके अलावा ये समस्या जो है छोटे पशुओं में ज़्यादा देखी जाती है दो महीने से लेकर कर छः महीने तक की उम्र तक इस स्थिति के पशुओं में जो मादा होती, उनकी होती है उनकी माताएं होती हैं पशुओं की वो दूध देती हैं पशु जो बच्चा उनका लगता है बच्चे को मेटरनल इंस्टिंक्ट होने के बाद ही वो दूध देती है बच्चे को लगाते हैं पहले चुहाते हैं उसके बाद ही वो दूध पशु देता है ऐसी परिस्थिति में यदि इस समस्या को गंभीर रूप से ना लिया जाए तो छोटे पशुओं की मृत्यु तक हो सकती है और ऐसी परिस्थिति में जो उसकी माँ है वो दूध नहीं देगी और दूध ना देने से पशुपालन व्यवसाय को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से दोनों तरीके से नुकसान पहुँचता है डॉक्टर साहब पशुओं में पथरी की समस्या से बचाव के लिए पशुपालक कौन से उपाय या कौन सी सावधानियाँ रखें ताकि हमारे पशुधन का बचाव भी हो और उसका उपाय भी इस प्रकार से करें ताकि उसका दूध उत्पादन भी बढ़े इसके बारे में थोड़ा सा आप विस्तार से हमारे किसान भाइयों को जी इसके बारे में आप लोगों को बहुत ही जागरूक होना पड़ेगा कि सबसे पहले तो जो लक्षण आपको बताए उनको आप पहचानना सीखें कि पशु में कोई पथरी की समस्या तो नहीं है कहीं मूत्रबंदी की समस्या तो नहीं है जो जो लक्षण आपको बताए हैं जैसे पशु का बेचैन होना पैर मारना पूछ उठाना बार बार पेशाब करने के लिए लेकिन पेशाब उतरना नहीं इस तरह के लक्षण यदि पशु दिखा रहा है तो उसको तुरंत आप नज़दीकी पशु चिकित्सक को संपर्क करें और इससे बचाव के लिए ये उपाय हैं कि पशु को ये बीमारी सर्दी के समय में अधिक होती है उस समय में पशु पानी पीना बहुत कम कर देता है तो पानी आप हम आमतौर पर ये है कि पशुपालक क्या करते हैं ठंडा पानी उसको दे देते हैं पशु को या फिर एक बार पानी भर के रख दिया तो वो ठंडा हो जाता है ठंड सर्दी के मौसम में ठंडे पानी को पीने से पशु आना कानी करता है पशु पीता नहीं है तो हमें ये चाहिए कि हम उसको एक तो कोसा पानी या गर्म पानी थोड़ा सा निवाया करके उसको दें पशुपालक भाइयों को ये ध्यान रखना चाहिए कि उसको निवाया पानी दें सर्दी के मौसम में आप लोग भी पानी पीते हैं तो थोड़ा सा उसको गर्म करके पीते हो तो ही पिया जाता है तो एक तो उसको पानी पीने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए 24 घंटे उसके सामने पानी रहे दूसरा यदि पशु पानी कम पीता है फिर भी तो उसके पानी में हम थोड़ा नमक मिला सकते हैं वो नमक मिलाने से उसको प्यास ज़्यादा लगेगी और प्यास ज़्यादा लगेगी तो पशु पानी ज़्यादा पिएगा इसके अलावा इससे बचाव के लिए एक पाउडर आता है नोसादर जिसे अमोनियम क्लोराइड कहते हैं वो भी पशुपालक भाई जब आपका बछड़ा या पाडा डेढ़ महीने का दो महीने का हो जाए उस समय इसे दवाई के तौर पर 10 10 ग्राम सुबह शाम हम पानी में मिला सकते हैं या उसके चारे में मिला सकते हैं 10 10 ग्राम सुबह शाम की डोज हम उसको नौ सादर की दे सकते हैं जो पंसारी की दुकान पर या आपके आसपास नज़दीकी उपलब्ध होगा ये नमक जैसा ही पाउडर आता है तो ये हम एक प्रिकॉशन एक बचाव के रूप में हम इन उपायों को इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि पशु में पथरी बनने की समस्या हो ही ना और हमें उपचार तक जाने की आवश्यकता ही ना पड़े इसके अलावा समय पर उसके लक्षणों को पहचानना सबसे जरूरी है क्योंकि यदि आपने समय पर उनके लक्षणों को पहचाना और समय पर पशु चिकित्सक को संपर्क किया तो आपके पशु की जान बच सकती है अन्यथा यह है एक मृत्यु तक ले जाने वाली बीमारी ये पथरी की समस्या डॉक्टर साहब किस स्टेज में ज़्यादा पशुओं में संभावना रहती है कि इस स्टेज के अंदर पशुओं में पथरी की समस्या बढ़ सकती है इसके बारे में थोड़ा सा आप पशुओं में जैसे छोटे जो पशु होते हैं दो महीने से छः महीने तक की उम्र के सात महीने तक की उम्र के उनके अंदर जो पेशाब का रास्ता होता है वो छोटा होता है और पथरी के जो अटकने की संभावना है वो ज़्यादा होती है तो ऐसे इन इस एज के पशुओं में ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए दूसरा नर पशु के अंदर ये ज़्यादा आम है ये समस्या बहुत आम है तो नर पशु के अंदर इसको ज़रूर आपको ध्यान देना चाहिए पशुपालकों को कि उन पशुओं पर ज़्यादा फोकस रखें उन पशुओं पर ज़्यादा ध्यान रखें क्योंकि मादा पशु में भी पथरी तो बनती है लेकिन रास्ता सीधा और छोटा होने के कारण वो पथरी समय समय पर पेशाब के साथ साथ निकलती रहती है लेकिन जो नर पशु है उसके अंदर ये पथरी जमा होती रहती है रस्ते में और एक समय ऐसा आता है कि वह रास्ता बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है तो बंद होने के कारण उसके अंदर ये समस्या पेशाबंदी की ज़्यादा आती है डॉक्टर साहब जो मादा पशु है उसमें जब पथरी की समस्या हो जाती है तो उसमें दूध उत्पादन पर भी इसका काफ़ी प्रभाव रहता होगा इसके बारे में थोड़ा सा आप जी ये वैसे आमतौर पर छोटे पशुओं में मिलती है तो बड़े पशुओं में भी कुछ समस्याएं होती हैं कभी कभार इस तरह के केस भी आते हैं जो दुधारू पशु हैं उनके अंदर भी पथरी की समस्या देखने को मिलती है लेकिन उसका कारण अलग है उसमें पहले पेशाब की थैली में या पेशाब के रस्ते में इन्फेक्शन होता है उसके बाद वो उसमें पथरी या स्लज बोलते हैं म्यूकोजल स्लज बोलते हैं और वो म्यूकोजल स्लज के कारण रास्ता रुक जाता है लेकिन मादा पशु में एक ये है बेनिफिट एक ये है कि उसका रास्ता छोटा होता है तो वो कैथेटर में हमें ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती तो वो कैथेटर सीधा ही उसके रास्ते से ही लग सकता है तो वो पाँच मिनट में ही उसको हम लगा सकते हैं उसके लिए कोई हमें चीरा फाड़ी की ऐसी आवश्यकता नहीं होती विशेष तो ऐसे पशुओं में दूध जी बिल्कुल दूध पशु कम कर देगा क्योंकि उसको पीड़ा होगी दर्द होगा तो खाना पीना बंद करेगा और इन्फेक्शन होगा तो वो दूध भी वैसे भी कम कर देगा हरियाणा पशु विज्ञान केंद्र महेंद्रगढ़ में और कौन कौन सी हमारे पशुओं में बीमारियों से संबंधित कौन कौन सी ऐसी सुविधाएं हैं ताकि हमारा वहाँ का पशुपालक उस चीज़ का फ़ायदा उठा सके जी हरियाणा पशु विज्ञान केंद्र लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा पूरे हरियाणा प्रदेश में ही स्थापित किए गए हैं अलग अलग जोन के हिसाब से नॉर्थ जोन में साउथ जोन में तो जैसे साउथ जोन में जो दक्षिण हरियाणा है उसके अंदर महेंद्रगढ़ जिले में महेंद्रगढ़ में रिवासा गाँव में इसे स्थापित किया गया है यहाँ पर हमारे पास लगभग सभी तरह के ऑपरेशनों की सुविधा है जैसे पथरी की समस्या का आपको बताया ट्यूब सिस्टोटोमी हम करते हैं इसके अलावा फ्रैक्चर के केस आते हैं जो टूट फूट हो जाती है पशु में हड्डियाँ टूट जाती हैं उसके अंदर प्लास्टर किया जाता है और छोटा पशु है तो उसके अंदर पैर हड्डी टूटने पर रोड वगैरह भी हम डालते हैं इसके अलावा पशुओं में ऑपरेशन हर्निया का होता है उसके अलावा यदि पशु में बच्चेदानी की कोई संबंधित कोई समस्या है या फिर पशु का ब्याते वक्त कोई समस्या है कई बार बच्चेदानी घूम जाती है पशु की तो उस समय बहुत दिक्कत आती है तो उससे संबंधित भी हम ऑपरेशन जो सीजेरियन सेक्शन कहते हैं वो भी हम वहाँ पर महेंद्रगढ़ में कर रहे हैं और इसके अलावा भी जो भी छोटे मोटे ऑपरेशन जितने भी हैं अभी चल रहे हैं और रुमनोटोमी एक फ़ोरन बॉडी जो होती है पशु कई बार लोहा खा लेते हैं वो लोहा खाने के कारण पशु में बार बार आफरा आना गोबर बिल्कुल कम कम करना काले रंग का करना इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं उसका भी हम ऑपरेशन वहाँ पर अभी कर रहे हैं हालांकि अभी एक्सरे की सुविधा वहाँ पर नहीं आई है उसके आने के बाद तो और भी सुचारू रूप से हम कार्य कर पाएंगे लेकिन अभी भी हम लक्षणों के आधार पर और फेरोस्कोपी से हम उसका निदान करके डायग्नोसिस करके हम उसको ऑपरेशन को भी अभी कर रहे हैं डॉक्टर साहब पशु विज्ञान केंद्र महेंद्रगढ़ के में जो भी किसान भाई आता है तो किसान को उसके लिए कोई आप प्रशिक्षण भी देते हैं ये एक केंद्र पर एक सभी सुविधाएँ एक जगह पर उपलब्ध कराने का की कोशिश की गई है तो समय समय पर किसान भाइयों को पशुपालक भाइयों को पशुपालन के बारे में ट्रेनिंग देते हैं जानकारियां देते हैं और किसान गोष्ठी क्लिनिकल कैंप लगाना ये सब भी केंद्र के आ, उसमें आता है परिधि में तो आ, जैसे आ, स्पेसिफिक ट्रेनिंग देते हैं जैसे बकरी पालन पर इसके अलावा डेयरी संबंधी ट्रेनिंग होती हैं उनको भी हम देते हैं और क्लिनिकल कैंप भी हम लगाते हैं जगह जगह पर जाकर जिसमें आ, मेडिसिन सेक्शन के डॉक्टर साहब आते हैं सर्जरी से जाते हैं तो पशुपाल पशुओं के मतलब द्वार पर ही मतलब एक तरह से तो हम वहाँ पर जाकर ही उनका ट्रीटमेंट करते हैं तो गांव-गांव में जाकर हम इस तरह के छोटे छोटे कैंप भी लगाते हैं तो जिसमें कई बार जैसे छोटी छोटी ऑपरेशन होते हैं सरन की जैसे एक समस्या होती है वो वहाँ पर बहुत आम है तो सरन में हम एक छोटा सा ऑपरेशन होता है तो वो वहाँ पर हम कैंप लगाते हैं तो उसमें हम वो कर देते हैं वहाँ पर तो इसके लिए कोई योग्यता भी है डॉक्टर साहब कि इसमें हमारा कोई भी किसान भाई आ कर के मतलब किस प्रकार कोई आपने कोई परफॉर्मा निकाला है या मतलब कोई भी किसान भाई पहले आए पहले स्थान पाए कि आधार पर हाँ, ट्रेनिंग कैसे ले सकता है आ, आप वहाँ पर अपना नाम किस पशुपालक भाई अपना नाम वहाँ पर रजिस्टर करा सकते हैं और नाम रजिस्टर कराने के बाद उनके पास फ्री एस सेवाएं भी वहाँ से वहाँ से शुरू की हैं तो उनके पास समय समय पर पशुपालन संबंधी जानकारियाँ भी उनको मैसेज के जरिए उनके फ़ोन पर पहुँचती हैं और जो भी ट्रेनिंग भविष्य में की जानी है या दो महीने में एक महीने में जो ट्रेनिंग की जानी है उनकी जानकारी भी उनका विवरण भी उन एसएमएस के जरिए भी दिया जाता है जो आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान अपना फ़ोन नंबर उनको लिखवाया होता है उसमें ये डॉस कितनी कितनी अवधि का प्रशिक्षण आप पशु विज्ञान केंद्र में हमारे पशुपालक किसान भाइयों को देते हैं ये पाँच दिन और सात दिन की ट्रेनिंग होती है अमूमन तो इन में हम लगभग एक हफ्ते की ट्रेनिंग का प्रावधान रखते हैं सात दिन की ट्रेनिंग ज़्यादातर हम कराते हैं वो विभाग दूसरा है तो इसमें जो भी हमारा पशुपालक कोई भी पशुओं से संबंधित अगर कोई भी समस्या है या तो उसके बारे में या उनकी खुराक से संबंधित अगर कोई भी समस्या किसान भाई या के पशुपालकों को जानकारी नहीं है तो वो भी हरियाणा पशु विज्ञान केंद्र में सारी तरह की सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध हैं जी पशुपालक भाई जैसे किसी पशु के चारे के बारे में जानना चाहते हों तो वो भी सुविधा हम अभी लैब तो एस्टेब्लिश नहीं हुई है वहाँ पर लेकिन भविष्य में ये कोशिश है हमारी कि वहाँ पर एक फीड लैब भी शायद शुरू की जाए और फीड का आपने याद दिलाया तो मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगा मुख इस मुख्य टॉपिक में कि जो पथरी की समस्या से जो बचाव के जो उपाय हैं उनमें पशुपालक ये ध्यान रखें कि जो चारा आप चरा रहे हैं पशु को उसमें कंसनट्रेट रिच ना हो मतलब कि दाना और खड़ वगैरह जो है ये पशुओं को कम चराएं उस समय पर जो तीन महीने से छः महीने दो महीने से छः महीने के पशु हैं उनके अंदर ये चीज़ें ज़्यादा उसमें फोस की मात्रा ज़्यादा होती है जिसके कारण पत्थरी बनने की संभावना बढ़ जाती है जी डॉक्टर साहब हमारे जो पशुपालक हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि हमारा पशुपालक पालक की इस बातचीत से वो किसान किसान भाई अपना फ़ायदा उठा सके जी पशुपालक भाइयों को मैं यही संदेश दूंगा कि पशुपालन आने वाले समय में एक बहुत ही अच्छा व्यवसाय है ये पशुपालक और किसान किसानी या खेतीबाड़ी मिलकर जब हम करते हैं तो उसको उसका फ़ायदा दुगना होता है यानी कि पशुओं से मिलने वाली खाद वो खेतों में जाती है और खेतों से मिलने वाला चारा पशु को मिलता है तो ये एक दूसरे के पूरक के रूप में किसान को पशुपालक को देखना चाहिए और दोनों को साथ लेकर चलना चाहिए बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो पशुपालकों को अवैज्ञानिक अव रूप से उसको पशुपालन को लेकर चलना चाहिए और समय समय पर उनके बारे में जिस तरह गोष्ठियाँ होती हैं उनमें भाग लेना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि आप बीमारियों के लक्षणों को पहचान सकें क्योंकि आप ही पशु पशुओं के पास रहते हैं पशु मूक प्राणी है वो बोल नहीं सकते तो आप ही उनका दर्द उनके लक्षण आप डॉक्टर को बता सकते हैं तो मेरी ये आप लोगों से यही संदेश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पशुपालन को बढ़ावा दें और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जागरूक होकर सक्रिय होकर भाग लें डॉक्टर साहब आपने हमारे कार्यक्रम में शिरकत की और हमारे पशुपालक भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी इसके लिए हम आपके बहुत बहुत धन्यवादी हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद